असलम दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप को तलाश है एक ऐसी एप्लीकेशन की तो जिसमें आपको बिल्कुल इंस्टॉल करने के बाद सेम टू सेम फील आए कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं और आईफोन की तरह का सेम टू सेम आइकन हो, लुक सेम टू सेम आईफोन की तरह का हो, तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इस टाइम, फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहते हैं अपना मोबाइल आईफोन की तरह का डिज़ाइन करना, उसमें आईफोन की तरह के फ़ीचर लुक जो सेम टू सेम आपको फील आईफोन की आए, तो ये आप फ़ौरन इंस्टॉल कर लें। iOS 13 के नाम से ये एप्लीकेशन है, लोगो भी आप इसका चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो इंस्टॉल करने के बाद तमाम परमिशंस आप इसको दे दें तो परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है, आपका कोई किसी किस्म का डाटा लीक नहीं होगा और ना ही आप दोस्तों को इससे कोई सिक्योरिटी का मसला है। ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आपको नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा इसमें ये आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर्स और भी आपको देखने को मिलेंगे, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा इसमें अगर आप लॉक स्क्रीन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आप इसमें ओपन कर सकते हैं इस तरह, तो ये आपको लॉक स्क्रीन पे भी ले जाएगा। तो ये तीन चीज़ें अगर आप खुद से जाके इंस्टॉल कर लें तो ये तीन भी साथ में इसके इंस्टॉल कर लें तो आपकी जो मोबाइल है वो इंटरनली सेम टू सेम तकरीबन आपका जो फ़ोन है 70 to 80% आईफोन की तरह का ही नज़र आएगा। तो ये एप्लीकेशन आप चेक कर लें इंस्टॉल करने के बाद जी। तो आप ये चेक करें दोस्तों कि कितनी खूबसूरती से इस एक तो इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है, सेम टू सेम ऐसी फील आ रही है। तो इस चीज़ का आपने इससे आपने परेशान नहीं हुआ, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के दरमियान नज़र आ रहा है, बाकी ये फुल स्क्रीन नज़र आएगी आपको सेम टू सेम जैसे आईफोन में होती है। तो इस चीज़ का आपने मसला इसमें परेशान नहीं होना, ये कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डर की ग्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये आप चेक करें, इसमें जो आइकन हैं वो सेम टू सेम तकरीबन आईफोन की तरह के दिए गए हैं। ये इसमें जो नोटिफिकेशन न्यूज़ पैनल साइड में दिया गया है जिसमें आपको न्यूज़ वगैरह और रिसेंट एप्स वगैरह नज़र आएंगी। तो इसके अलावा ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेटिंग होगी, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी होगी, प्ले स्टोर और इस तरह की जो है काफ़ी सारी एप्स हैं वो सेम टू सेम उसमें आइकन आईफोन के नज़र आ रहे हैं। तो अभी इसमें इतना ख़ास आप डिफरेंस नहीं चेक कर सकते कि ये आईफोन है या एंड्रॉयड में आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है और अगर वो भी ख़त्म हो सकता है अगर आप इसमें इसके जो कंट्रोल पैनल नोटिफिकेशन पैनल है और इसके अलावा कंट्रोल पैनल इसमें आप इसका जो कंट्रोल सेंटर वगैरह है ये आप चेक करें, ये भी मैंने अलग से इंस्टॉल किया। तो ये आप अगर इंस्टॉल कर लें तो अभी आप इसको इस चीज़ को ही देख के चेक करें और बताएं मुझे कि क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये आईफोन नहीं है या ये एंड्रॉयड है। बिल्कुल नहीं, ये इसमें ये आप चेक करें, ये बहुत अच्छा ये कंट्रोल पैनल है। तो ये कंट्रोल सेंटर आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इसके अलावा इसमें स्क्रीन लॉक भी आप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में और इसमें नोटिफिकेशन सेंटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और काफ़ी सारी 4-5 ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल करके तो बिल्कुल आप इसमें जो आईफोन की फील ले सकते हैं एंड्रॉयड में भी। तो इस तरह आप किसी भी मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल में आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ये आप इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप आईफोन को आईफोन के इन आइकन को के थीम को पसंद करते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और एक और बात भूल गया था कि इसमें जैसे ये 2 सेकंड के लिए प्रेस किया जाए तो यहाँ पे आप इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिट होम स्क्रीन को। और इसके अलावा इसमें ये देखें, यहाँ से उठा के किसी जगह भी इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो ये भी एक आईफोन की तरह की फीचर इसमें दिया गया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। Yeah!